सुजानपुर उपमंडल का बाल विज्ञान सम्मेलन ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में उपमंडल भर के सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के 257 छात्रों ने भाग लिया। उपमंडल स्तर पर आयोजित हुए बाल विज्ञान सम्मेलन में चार गतिविधियां आयोजित की गईं, जिनमें छात्रों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही इनोवेटिव साइंस मॉडल गतिविधि भी इस वर्ष आयोजित की जा रही है, जो कि गत वर्ष आयोजित नहीं की गई थी। बाल विज्ञान सम्मेलन में विज्ञान प्रश्नोत्तरी 5 वर्गों में आयोजित की गई, जिसमें सीनियर सेकेंडरी, सीनियर रूलर, अर्बन, जूनियर रूलर, अर्बन वर्ग शामिल थे। इसी तरह से साइंस एक्टिविटी भी 5 वर्ग में आयोजित की गई। मैथमेटिक्स ओलंपियाड 3 कैटेगरी में आयोजित किया गया, जिसमें सीनियर सेकेंडरी, सीनियर और जूनियर ग्रुप शामिल किए गए। सीनियर सेकेंडरी में जमा 1 और जमा 2 के छात्र हैं, जबकि सीनियर में 9वीं और 10वीं के छात्र तथा जूनियर वर्ग में 6ठी से 8वीं तक के छात्रों ने भाग लिया। इनोवेटिव साइंस मॉडल गतिविधि का आयोजन भी किया गया, जिसमें पिछले वर्ष यहां आयोजित नहीं की हो पाई थी। वहीं इस प्रतियोगिता में 9वीं से लेकर जमा 2 के छात्र भाग ले रहे हैं। जिला विज्ञान पर्यवेक्षक सुधीर चंदेल ने बताया कि उपमंडल सुजानपुर में बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजित ऑनलाइन माध्यम से किया गया, जिसमें 257 छात्रों ने भाग लिया। इस दौरान कई तरह की गतिविधियां भी करवाई गई, जिसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक के छात्रों ने भाग लिया। का बाल विज्ञान सम्मेलन का आयोजन आज प्रारंभ हो गया है, जिसमें सुजानपुर उपमंडल के 257 बच्चे जो हैं वो भाग ले रहे हैं। वैसे तो 284 बच्चे जो हैं सुजानपुर उपमंडल के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हुए हैं, लेकिन जो हमारी एक्टिविटी साइंस प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो जिला स्तर पर ही होनी है, इसलिए उपमंडल स्तर पर जो है वो 257 बच्चे जो हैं वो भाग ले रहे हैं। उपमंडल स्तर पर 4 गतिविधियां जो हैं वो हो रही हैं, जिसमें विज्ञान प्रश्नोत्तरी 5 वर्गों में की जा रही है, जिसमें सीनियर सेकेंडरी, सीनियर रूरल अर्बन, जूनियर रूरल अर्बन। इसी तरह से जो हमारी साइंस एक्टिविटी कॉर्नर है वो भी 5 कैटेगरीज में जो है वो होने जा रहा है। मैथमेटिक्स ओलंपियाड जो है वो 3 कैटेगरीज में, इसमें सीनियर सेकेंडरी, सीनियर और जूनियर ग्रुप में, इसमें सीनियर सेकेंडरी +1 +2 के बच्चे, सीनियर में 9th और 10th के बच्चे और जूनियर ग्रुप में 6th से 8th के बच्चे जो है वो भाग ले रहे हैं। इसी तरह से जो हमारा जो पिछले वर्ष एक गतिविधि नहीं हुई थी, इसी वर्ष उसका आयोजन किया जा रहा है, इनोवेटिव साइंस मॉडल। उसमें भी एक ही ग्रुप है, 9th से +2 तक के बच्चे जो हैं उसमें भाग ले रहे हैं।